हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपकी वर्कशीट, इंग्लिश वर्कशीट के बारे में जो क्लास फिफ्थ की है बच्चों। और आज की डेट क्या है, 4/9/2021 मैरी गोल्ड से ली गई है। यहाँ पर आपको अपना नेम, यहाँ अपनी टीचर का नेम लिखना है। यूनिट फ्लाइंग टुगेदर पेज नंबर 28 से 41 लिया गया है। यहाँ पर अपना सेशन लिखना है और ये वर्कशीट नंबर है बच्चों 62। इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले बच्चों आप सभी को एक बात बता दूँ, लास्ट वीक के विनर्स का अनाउंसमेंट हो चुका है और इस वीक की ये क्या है, आखिरी वर्कशीट है। तो यदि आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है बच्चों। इसमें दिया गया है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विशिंग यू आर लवली हेड, डियर चिल्ड्रन आई एम श्योर यू मस्ट हैव रीड एंड एन्जॉय द स्टोरी फ्लाइंग टुगेदर। तो यहाँ पर बोला गया है, सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी क्या होंगे, आपका दिन जो होगा ये आज का बहुत ही सुनहरा होगा और आप सभी जो होंगे बच्चों वो क्या होंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने इन्जॉय करा होगा चैप्टर को पढ़ते हुए, जिसका नाम क्या है, द फ्लाइंग टुगेदर। वी हैव डन मैनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ टू द चैप्टर, इस चैप्टर से हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी हैं। बाय नाउ आई होप यू नो दैट वी शुड ऑलवेज लिसनिंग एडवाइस ऑफ एल्डर पेरेंट्स। यहाँ से आपने एक चीज़ सी लिखी होगी कि हमेशा अपने बड़ों और अपने पेरेंट्स की क्या है, एडवाइस को मानना चाहिए, ठीक है। लेट डू अ फ्यू एक्टिविटीज़ फ्रॉम द स्टोरी, इस स्टोरी से क्या आपको कुछ एक्टिविटीज़ करनी है बच्चों, जैसे इन द स्टोरी अ फ्लोक ऑफ गीज, ठीक है, लीव ऑन द टॉल ट्री, इन अ डीप फॉरेस्ट हेयर अ फ्लोक इज स्पेशल वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पर जो है फ्लो क्या है बच्चों, एक स्पेशल वर्ड है। यूज़ फॉर अ ग्रुपिंग ऑफ गीज, जो गीज होते हैं, यानी जो आपके गीज होते हैं उनके स्पेशल जो है ग्रुप को दिखाने के लिए फ्लोक वर्ड का यूज़ करते हैं। सिमिलरली एनी मोर स्पेशल वर्ड, कुछ और भी स्पेशल वर्ड हैं, जैसे अ बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ स्टिक्स विच रिप्रेजेंट अ ग्रुप, ये भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुप को। लेट नो मोर अबाउट स्पेशल वर्ड्स कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, इन्हीं वर्ड्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे एनी आर्मी ऑफ आंट, ठीक है, एन आर्मी ऑफ आंट यानी कि आंट्स का ग्रुप, द बैंड ऑफ म्यूजिशियन यानी म्यूजिशियंस लोगों का ग्रुप, इसके बाद क्या है, द बुके ऑफ बकेट ऑफ फ्लावर यानी द बकेट ऑफ फ्लावर का मतलब क्या हो गया, जो बच्चों फ्लावर का क्या होगा यहाँ पर ग्रुप। चलिए देखते हैं पहले क्या बोला गया, नो लेट फिल इन द ब्लैंक कलेक्टिव नाउन, वी हैव टेक हेल्प फ्रॉम द हिंट बॉक्स, आपको हिंट बॉक्स से क्या है, हेल्प लेकर आपको नीचे जो दिया गया है इसको कंप्लीट करना है। तो जैसे बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर, अ प्राइड ऑफ लॉयन यानी कि लॉयनों का क्या है, झुंड यानी पूरा, ये बच्चों आपका हो जाएगा 6, ठीक है। तो इसके बाद देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, अ पेयर ऑफ शूज, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, पेयर ऑफ शूज हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा टीम ऑफ प्लेयर्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, टीम ऑफ प्लेयर्स। यहाँ पर क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ पर लिखोगे आप काउ, डैश ऑफ काउ, तो क्या हो जाएगा, हेरिड ऑफ काउ, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, बंच ऑफ कीज, ठीक है, क्या हो जाएगा, बंच ऑफ कीज। स्पेलिंग अगर बच्चों कोई समझ में ना आए तो ये बंच की है, ये हेड की है, ये प्राइड की है, ये पेयर की है, ये टीम की है, और ये ग्रुप की है। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं क्या दिया गया, आगे दिया गया है, अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को असली व कागज़ के फूलों के गुलदस्ते बनाना क्या करें, गुलदस्ते बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। तो आप सभी क्या करेंगे, कागज़ के गुलदस्ते बच्चों बनाएंगे। आगे आपकी कार्य पत्रिका यहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट कर बताना, वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों क्या है कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करना। धन्यवाद बच्चों।